हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल P3 म्यूजिक पर एक बार फिर से मैं प्रमोद सिंह स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही फेमस छठ गीत कांच ही बास के बहंगिया अपने पियानो पर सीखने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा छठ का गीत है और छठ पर्व आने वाला है, तो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि छठ से रिलेटेड गीत पियानो पर सिखा दिया जाए, जिसको कि आप अपने हारमोनियम पर भी बजा सकते हैं। मैं आपको नोटेशंस के साथ स्टेप बाय स्टेप इस गाने को सिखाते जाऊंगा और नोटेशंस आपके स्क्रीन पे दिखते रहेंगे। बहुत ही छोटा गाना है, गाना भले लंबा है लेकिन हम लोग को सिर्फ दो लाइन ही सीखनी है, वही दो लाइनें रिपीट होते रहेंगी पूरी गाने में। और फर्स्ट में म्यूजिकल पार्ट है, तो म्यूजिकल पार्ट भी हम लोग सीखेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे और हम मोटिवेट होते रहे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में जो म्यूजिक पार्ट आता है उसको सीख लेते हैं। देखिए म्यूजिक पार्ट कैसे बजेगा और फिर हम लोग इसका नोटेशंस देखेंगे। ठीक है ना, तो इसका पहला पार्ट जो है, इसका क्या नोटेशन हो जाएगा? सी शार्प, डी शार्प, जी शार्प, एफ शार्प, डी शार्प, सी शार्प। ठीक है ना, एक बार सिंगल फिंगर से बजा के दिखा देता हूं मैं। और इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो कैसे होगा? सिंपल। ठीक है ना, इसका नोटेशन देखिए, सी शार्प, डी शार्प, जी शार्प, एफ शार्प। ठीक है ना, आगे बढ़ते हुए म्यूजिक पार्ट है जो, एक बार मैं बजा के दिखाता हूं फिर हम लोग इसका नोटेशन देखेंगे। देखिए कैसे बजेगा। ऐसे बजेगा। ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग तीन पार्ट्स में देख लेंगे, ताकि हमको आसानी होगा और नोटेशन सीखने में भी आसानी होगा, नोटेशन आपको दिखते रहेंगे। तो इसको तीन पार्ट में हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है मैं बजा के दिखाता हूं, फिर हम लोग नोटेशन देखेंगे इसका। इतना। ठीक है ना, तो इसका नोटेशन क्या हो जाएगा? ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, सी शार्प, ए शार्प, जी शार्प। सी शार्प और डी शार्प हायर ऑक्टेव का यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसको एक बार सिंगल फिंगर से मैं दिखा देता हूं। ठीक है ना, इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, देखिए कैसे बजेगा दूसरा लाइन। ठीक है, बहुत ही आसान है, नोटेशन देखिए, जी शार्प, ए शार्प, जी शार्प, एफ शार्प, डी शार्प, डी शार्प, डी शार्प, सी शार्प। सिंपल, एक बार सिंगल फिंगर से भी देख लीजिए कैसे बजेगा। ठीक है ना, और इसका जो तीसरा पार्ट होगा देखिए कैसे बजेगा। बहुत ही आसान, नोटेशन देख लेते हैं, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, जी शार्प, एफ शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, एफ शार्प,
जी सर एफ सर जी सर एफ सर। एक बार सिंगल फिंगर से देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये हम लोग का म्यूजिकल पार्ट हो गया। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अगर कोई कहीं दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब इसका हम लोग गाना सीखते हैं। तो जो पहला लाइन है, कांच ही बाज के बहंग गया, देखिए कैसे बजेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए कांच ही एफ सर जी सर एसर जी सर। ठीक है ना, बांस की के लिए जी सर एफ सर जी सर एसर, और बहंगिया के लिए जी सर एफ सर एफ सर एफ डी सर एफ डी सर। ठीक है, सिंगल फिंगर से एक बार देखिए कैसे बजेगा। स्लो स्लो में बजा के दिखा देता हूं। उसके बाद बहंगी लचकत जाए, देखिए कैसे बजेगा। ठीक है ना, इसका देखिए नोटेशंस। बहंगी के लिए डी सर एफ सर एफ सर एफ, लचकत के लिए डी सर एफ सी सर, और जाए के लिए डी सर एफ सर एफ सर। एक बार धीरे धीरे सिंगल फिंगर से भी देख लीजिए। बहुत ही आसान, और इसके बाद फिर से बहंगी लचकत जाए रिपीट करते रहे। ये हम लोग का पहला अंतरा पाठ हो गया, या अस्थाई पाठ कुछ भी बोल लीजिए। और यही जो पाठ है पूरा समझ लीजिए रिपीट होते जाएगा। इसके बाद जो लाइन आता है, होई ना बलम जी कहड़िया बहंगी घाटे पहुंचाए बहंगी घाटे पहुंचाए, ये भी वैसे बच जाएगा। इसी को आप लोग रिपीट करते जाइएगा और ये आपका छठ गीत रेडी हो जाएगा। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ भी सीखा और आपको अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और राइट हैंड साइड में एक रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन होगा, उसको क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें मोटिवेट मिलता रहेगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।